आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुपर फूड सैलेड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी स्ट्रांग बनाएगा। आपका अगर हेयर लॉस हो रहा है ना, तो इसको खा के देखिए, आपका हेयर लॉस भी स्टॉप हो जाएगा। ये जो सैलेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो आपके बालों के लिए सुपर फूड है। इसमें वो सारे के सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, सारे के सारे इसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, जो आपको हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी हेयर के लिए, हेल्दी स्किन के लिए चाहिए होता है। स्पेशली अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अगर आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, झड़ रहे हैं बाल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हेयर लॉस को स्टॉप करने में और हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में। इवन अगर आप मल्टी विटामिन ले रहे हैं ना, तो अपने मल्टी विटामिन को इस सुपर फूड से आप रिप्लेस कर सकते हैं, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल में बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, उसके साथ साथ हेल्दी हेल्दी रेसिपीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि इंटरनली जाके वर्क करती है। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और जितने लोग में शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर भी करिएगा। और अब चलिए बिना किसी तरीके वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस सुपर फूड सैलेड को बनाने के लिए मैंने स्प्राउट लिया हुआ है, चने का और सोयाबीन का। स्प्राउट कैसे बनाना है, इसकी वीडियो कई बार मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको आराम से पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है स्प्राउट। तो स्प्राउट को मैंने हल्के गुनगुने पानी में, एकदम गुनगुना पानी है, गर्म नहीं है, ठीक है, गुनगुने पानी में मैंने इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद ये देखिए मैंने लिया है फ्लेक्स, मिलेट फ्लेक लिया हुआ है। आप रागी का, ज्वार का, बाजरे का, किसी का भी फ्लेक ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप खरीदना चाहें तो आराम से आप खरीद सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और इसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है, फाइबर होता है बहुत सारा, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ ये ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। इसको मैं क्या करूँगी, बस एक बार वॉश कर दूंगी, उसके बाद ना ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और जो मैंने स्प्राउट्स लिए हैं, स्प्राउट्स के अंदर बहुत सारा बायोटीन है, क्योंकि सोयाबीन के अंदर ना बहुत ज़्यादा बायोटीन होता है, और जब आप उसको उसका स्प्राउट बना देते हैं तो वो सारी चीज़ें और बढ़ जाती हैं। तो जो चना और सोयाबीन है, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, बायोटीन है, आयरन है, फोलेट है, और बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स एंड वाइटामिन हैं, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप स्प्राउट को और ये मिलेट फ्लेक्स को खाते हैं ना, तो ये दोनों चीज़ें सुपर फूड होती हैं, आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना आपको बहुत ज़्यादा कोई फ्रूट वगैरह खाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्प्राउट्स एंड मिलेट फ्लेक्स के अंदर बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स एंड वाइटामिन होते हैं, जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सारा इससे फुलफिल हो जाता है। तो आपको मल्टी वाइटामिन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मल्टी वाइटामिन लेते हैं ना, तो उसको आप बिल्कुल मत लीजिए, आप ये सैलेड खाइए, इसको आप खा के देखिए, आपको कभी भी कोई भी कमजोरी नहीं होगी, ना आपके बाल झड़ेंगे, ना आपको आयरन की डिफिशियंसी होगी, कुछ नहीं होगा, बहुत ही अच्छा है। प्लस इसमें मैं कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करने वाली हूँ, जो कि और ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो मैंने यहाँ पे एक चॉप्ड कैरेट लिया हुआ है, गाजर लिया है, उसको डाल दूंगी। गाजर के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है, साथ ही इसके अंदर लुटीन नाम का एक कैरोटीनॉइड होता है, जो आपके आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बायोटीन बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद एक स्मॉल अनियन को मैंने चॉप कर लिया है, उसको लिया है, और साथ ही मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली भी ली हुई है कट करके, तो इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, वो है एक स्मॉल टोमेटो को मैंने चॉप करके लिया हुआ है। टोमेटो के अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और लुटीन नाम का कैरोटीनॉइड होता है, जो आपके आंखों के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इसके अंदर बायोटीन भी होता है, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैंने एक स्मॉल क्यूकुंबर को चॉप करके लिया हुआ है। क्यूकुंबर आपको इस सीजन में बहुत ही आराम से मिल जाएगा। क्यूकुंबर गर्मियों के दिन के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपके बालों के लिए और आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार पिंक हिमालयन सॉल्ट इसमें डाल दूंगी। पिंक हिमालयन सॉल्ट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम का जो मात्रा है वो काफ़ी कम होता है, जबकि व्हाइट सॉल्ट जो रिफाइंड सॉल्ट होता है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सोडियम होता है, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मैंने पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ करना शुरू किया है, मैं व्हाइट सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड क्यूमिन का पाउडर इसमें डाला है। अब इसमें कुछ और नहीं डालना है, बस सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और इसको आप खाइए। फिर देखिए आपके अंदर आयरन की डिफिशियंसी कभी नहीं होगी, इस
इसके अंदर बायोटिन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होता है। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है, जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज, कॉपर, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, तो आपके बोन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो ये जो, इसीलिए मैंने इसको सुपर फूड बोला है, स्पेशली आपके बालों की ग्रोथ के लिए और हेयर लॉस कंट्रोल करने में ये बहुत हेल्प करता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं और लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, जो कि सच में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा, और जितने लोग शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।